प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हमारा सेशन चलना है, सर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन सर ने कहा है कि लेक्चर होते रहना चाहिए, इसलिए हम लोग लेक्चर लेते रहेंगे, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ, और चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सर के लिए प्रेयर करेंगे कि सर का जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए, और सर का अभी संकट का टाइम है लेकिन वो निकल जाएगा। तो हम आज ना ऐसी बात करेंगे कि जो बहुत सारे नाक के पेशेंट होते हैं नासा रोग में, तो बहुत सारे लोगों को लॉस ऑफ स्मेल होता है, मतलब नाक से कुछ भी गंध नहीं आती है, तो इसमें हम या नाक से कभी कभी खून आता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो नाक से खून आना तो रक्त पित्त होता है, उद्वग रक्त पित्त होता है, और जब लॉस ऑफ स्मेल होता है, जैसे कि कोरोना टाइम में भी बहुत सारे लोगों का कोरोना का कॉम्प्लिकेशन हुआ था, कि पोस्ट कोरोना का कॉम्प्लिकेशन में स्मेल ही नहीं आता था, लॉस ऑफ टेस्ट लॉस ऑफ स्मेल। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें स्मेल ही नहीं आ रही है, तो इसमें हमें क्या सोचना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, या मैं अभी डिस्कस करूंगा, और जो भी मैं बताऊंगा ये वृद्ध वैद्य लोगों का परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति आई है वह मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो जिनको स्मेल नहीं आती है, लॉस ऑफ स्मेल रहता है, या कभी कभी खून आता है, ऐसा ये बीमारी का नाम है। तो यह ज्यादातर कफज व्याधि रहती है या पित्तज व्याधि रहती है, इसमें सामावस्था रहती है या निरामावस्था रहती है। सामावस्था मतलब आम युक्त अवस्था रहती है, और कभी कभी निरामावस्था मतलब आम नहीं रहता है और निरामावस्था में भी रहती है। इससे संबंधित क्या क्या व्याधियां हो सकती हैं, मतलब किस व्याधि के वजह से लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों को कफ के विकार होते हैं, किसी किसी को सर्दी प्रतिशय होता है, पुराना प्रतिशय हो जाता है, पीनस हो जाता है, और वह मांस दृष्टि हो जाती है नाक नाक में, और कभी कभी क्या होता है कि टॉन्सिल का कॉम्प्लिकेशन होना, फिर एडेनोइड ग्लैंड रहते हैं उसका कॉम्प्लिकेशन होना, कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड रहता है उसका कॉम्प्लिकेशन होना, कभी कभी सब मैंडिबुलर ग्लैंड का कॉम्प्लिकेशन होना, मतलब ऐसे बहुत सारे जो ये ग्लैंड रहते हैं अपने मुंह में उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी यह कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और इसमें कफ और पित्त दोष की दृष्टि रहती है। धातु देखेंगे तो रस धातु, रक्त धातु और मेद धातु का इसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट रहता है, रस धातु रक्त धातु और मेद धातु का इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसी तरह से इसमें मल देखेंगे तो तीनों मलों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसमें कहीं ना कहीं मल की दृष्टि रहती है, तो पुरुष की दृष्टि रहती है, मूत्र की दृष्टि रहती है, स्वेद की दृष्टि रहती है। स्त्रोतस अगर देखेंगे तो नाक में जब लॉस ऑफ स्मेल है तो इसमें बहुत सारे स्त्रोतस का दृष्टि रहता है, उसके मैनिफेस्टेशन में लॉस ऑफ स्मेल रहता है, जैसे कि प्राणवस स्त्रोतस। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें ऑब्वियस है कि प्राणवस स्रोतस है। उसी तरह से उदक व स्रोतस, शरीर में जो क्लेद है वह उदक व स्रोतस में पूरी तरह से वहन होता है, तो वहां पर अगर वो क्लेद बढ़ गया बहुत ज्यादा तो उदक व स्रोतस की दृष्टि होती है। अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथो अपि वा विमार्गम चापि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम, जब बोला है तो वहां पे अति प्रवृत्ति अगर हो रही है उदक व स्रोतस में, और उसका अगर सर्दी प्रतिशय ऐसे कंडीशन हो रही है तो उसमें भी लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। उसी तरह से रस धातु, और इसमें संग भी ये भी होता है कि वहां पे स्त्रोतोरोध हुआ है, स्त्रोतोरोध की वजह से भी लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। इसी तरह से रसवा स्त्रोतस, आम अगर बहुत ज्यादा है तो रस अच्छा से नहीं बनेगा, और रस धातु ही अपने पंच ज्ञानेन्द्रियों को तर्पण करता है, अगर रसवा स्त्रोतस की दृष्टि है तो वहां पे जो घ्राणेन्द्रिय का कार्य है वह नहीं हो जाए, और गंधवती पृथ्वी नासा जो है वह पार्थिव द्रव्य पार्थिव अवयव है, और वहां पे लॉस ऑफ स्मेल जब होता है तो पार्थिवता जो है वो विकृत हो जाती है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से यह लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। तो रसवा स्त्रोतस की दृष्टि है, रक्तवा स्त्रोतस की दृष्टि है, पुरीषवा स्त्रोतस की दृष्टि है, मूत्रवा स्त्रोतस की दृष्टि है, और स्वेदोवा स्त्रोतस की दृष्टि है। पुरीषवा स्त्रोतस की दृष्टि है तो वह कहीं ना कहीं मल जो है वो विकृत रहता है, और एक जगह मल विकृत रहेगा तो टॉक्सिन रीअब्जॉर्ब होंगे और उसकी वजह से ये लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, और वहां पे फणा मर्म रहते हैं, मर्म पे भी आघात हो गया फणा मर्म में, उसके वजह से भी लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। इसमें एनाटॉमिकली देखेंगे तो नाक यह इन्वॉल्व रहता है, और संबंधित अवयव क्या रहते हैं तो कपाल रहते हैं, और महास्त्रोतस जो फोरहेड रहता है वो भी इन्वॉल्व रहता है, और महास्त्रोतस जो रहता है जीआईटी ट्रैक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो रहता है अन्न व स्त्रोतस वह भी इन्वॉल्व रहता है। अब इसमें चिकित्सा क्या करना है कि जब भी हमारे पास पेशेंट आए जिनको स्मेल नहीं आती है, ऑल्फेक्टरी नर्व जो है वह कहीं ना कहीं वहां पे ये हो रहा है, कुछ ना उसके कार्य विकृत हो गए हैं, और लॉस ऑफ स्मेल मतलब गंध वहन का कार्य मस्तिष्क नहीं हो रहा है,
या गंध एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे, गंध को वो मतलब जैसे तड़का लगा रहे हैं या वो गंदे जगह में भी जा रहे हैं, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास, 20-20 साल पुराने पेशेंट भी आए, तो उसमें सबसे पहले लेखन वाला कुछ हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि स्त्रोतोरोध रहता है। तो लेखन करने के लिए हमें द्रव्य इंटरनली देना है, कभी कभी हमें वहां पे स्त्रोतोरोध हो गया है और वहां पे ड्राइनेस आ गया है, वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स और नासा बहुत ज्यादा सूख गया है, शुष्क हो गया है, तो वहां पे हमें ब्रीहण करना पड़ता है, शमन करना पड़ता है। कभी कभी दोष अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो हम शोधन नहीं कर सकते हैं, तो शमन करना पड़ता है। फिर दीपन और पाचन करना पड़ता है, आम का पाचन करेंगे तो सारा स्त्रोत खुल जाएगा। फिर रेचन करना है, नॉर्मल विरेचन भी करना है और शिरो विरेचन भी करना है, और कभी कभी धूपन करना है तो उसमें धूम्रपान भी करना है पड़ता है, तो उससे या प्रद्युम्न नस्य करना पड़ता है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ कुछ रोगी जो आते हैं जिनको बिल्कुल भी नासा से स्मेल नहीं आती, या कभी कभी किसी को कम आती है, तो उसको गंध या दुर्गंध या सुगंध कुछ भी नहीं आ रही है, तो इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था रजन्यादिवटी, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो रजन्यादिवटी जो है जिसमें हल्दी वगैरह है, वह 6-6 गोली सुबह शाम, और उसमें जितने भी द्रव्य हैं वो पार्थिव हैं, तो वो पृथ्वी महाभूत को अच्छा कर देते हैं। तो रजन्यादिवटी 6-6 गोली, और एंटी एलर्जिक के रूप में भी हम लोग जानते हैं रजन्यादिवटी। आप मेरा अभी लेक्चर देखिएगा, 1 हफ्ते पहले मैंने रजन्यादिवटी पढ़ाया था, एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक फेरेंजाइटिस, एलर्जिक लैरेंजाइटिस, ऐसे अलग अलग जो है वहां पे जो इंफ्लेमेशन होता है उसमें यह बहुत बढ़िया काम करता है। तो रजन्यादिवटी का प्रयोग करना है। फिर लक्ष्मी नारायण रस, फिर दमा की जितनी भी दवाइयां हैं जैसे श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, कफ केतु रस, कफ कुठार रस, चंद्रामृत रस, जो भी ये कनकासव, जो दमा पे काम करने वाली, अस्थमा पे काम करने वाली, श्वास की काम करने वाली दवाइयां हैं, वह सब यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि कफ का आवरण जो है वह पूरी तरह से नाश कर देती है, आवरण निकल जाता है और समाप्ति ठीक हो जाता है। उसी तरह से ज्वरांकुश रस, फिर त्रिभुवन कीर्ति रस, लवंगादि वटी, इनका इनमें से 3-3 गोली दो दो बार सुबह शाम चबा चबा के या चूस चूस के लेने से भी नासिका में बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसी तरह से सिर पे मतलब फोरहेड पे, कान पे, सिर में, सब जगह महानारायण तेल से मर्दन करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर गर्म पानी का जो हॉट वाटर बैग है उससे सेक लेना पड़ता है अगर कफ का संप्राप्ति है, तो उसी तरह से उसमें ये जो उसने स्वेदन हो गया, पहले हमने महानारायण तेल से स्नेहन किया, फिर हॉट वाटर बैग से स्वेदन किया, थोड़ा ज्यादा देर नहीं करना है, थोड़ा देर करना है, और उसके बाद में तेल का नस्य देना है। तो बचा तेल है या फिर वो जो मेरा तेल है भ्रंशतु शब्दवर तेल, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। उसी जैसे अणु तेल, षड़ बिंदु तेल, जो भी तीक्ष्ण द्रव्य है उसका नस्य देना पड़ता है। इससे भी अगर नहीं हुआ तो धूम्रपान करना पड़ता है, और धूम्रपान का विधि है कि नाक से लेके और मुंह से छोड़ते हैं, मुंह से लेके मुंह से छोड़ते हैं, लेकिन मुंह से लेके नाक से नहीं छोड़ते हैं। और धूम्रपान विधि हमारे इसमें बताया है, धूम्र नहीं धूम्रपान, यह दिनचर्या अध्याय में बताया है, उसमें वचा है, सरसों है, और बहुत सारे धूपन मतलब बहुत सारे, और जो चरक संहिता में तत्स्यास्यति अध्याय है उसमें धूम्रपान के बहुत सारे वैसा म्यूट कैजुअल रखे, म्यूट आखिरी रखे नहीं तो मैं हटा दूंगा। बचा है हाँ कृपया म्यूट रखिए, मैंने उनको हटा दिया जो भी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे थे। तो इसमें हम धूमपान करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से श्रृंग भस्म और बचा और शुंठी का पानी में से मिक्स करके थोड़ा गर्म करके, चम्मच में गर्म करके या कलछुल में गर्म करके उसका लेप लगाना पड़ता है नाक के ऊपर, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ये फिर क्या करते हैं, ऐसा उपचार करते हैं ना तो बहुत अच्छा स्मेल आने लगता है। उसी तरह से वासा का मूल जो है, वासा का मूल को अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका जैसे धूपन वगैरह के रूप में किया वासा मूल, या फिर उसका काढ़ा बना के दिया, या उसका स्वरस नाक में डाला, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और मूत्राल औषधियां उनका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रात में गंधर्व हत्की का प्रयोग करना है, बोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करना है, बोक्षुरादि गुग्गुल से मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होती है, और जितना क्लेद है शरीर का वह निकल जाता है, कफ निकल जाता है, और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से गंधर्व हरिचकी जो है, गंधर्व हरिचकी से पेट साफ होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाग्भट संहिता खोलिए, उसमें लिखा है कि पुरुष वेग का
या पुरुष का अगर अवरोध किया तो उससे प्रतिशय होता है, या टिपिकल सिम्टम बताया है। तो जब हमने मल को निकाल दिया, रेचन करा दिया या पेट साफ करा दिया, गंधर्व हृदय की या हरित की चूर्ण देके पेट साफ होते ही सर्दी और साइनोसाइटिस ठीक होता है और स्मेल आने लगता है। उसी तरह से बार बार अगर खून आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है और मतलब पित्त की संप्राप्ति ऐसे दिख रही है, तो वहां पर कभी रक्त पित्त की वजह से भी हो सकता है कि नासा में वहां पे क्षय हो गया, धातुओं का क्षय हो गया, रक्त का क्षय हो गया और उससे स्मेल आना कम हो जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं कि प्रवाल का प्रयोग करते हैं, काम दूधा का प्रयोग करते हैं, और 6-6 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जो भी ग्रंथ से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ज्यादातर 6-6 गोली बताए वृद्ध वैद्यों ने, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि 6 गोली दिया, मैक्सिमम डोज दिया ना, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से मौक्तिक भस्म का प्रयोग करेंगे, 50 मिलीग्राम सुबह शाम, 50 मिलीग्राम शाम को, सुबह और शाम ऐसे 2 टाइम करेंगे, तो उससे भी जो रक्त और पित्त की दुष्टि की वजह से जो गंध नहीं आ रहे उसमें बहुत बढ़िया आराम पड़ जाता है। उसके बाद में अणु तेल का प्रयोग बताया है, प्रवाल का प्रयोग बताया है, हल्दी का चूर्ण का प्रयोग बताया है। हल्दी जो रहता है वो एंटी एलर्जिक रहता है, एलर्जिक कंडीशन से, जैसे कि किसी किसी को पोलन ग्रेन से रहता है, किसी को अगरबत्ती से रहता है, किसी को परफ्यूम की वजह से सर्दी जुकाम होता है, और उसके वजह से अगर स्मेल नहीं आ रहा है तो वहां पर हल्दी का प्रयोग करने से या वृहद हरिद्राखंड का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति है तो वहां पर प्रवाल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जिनको पूरी तरह से स्मेल नहीं आ रहा है या रक्त आ रहा है तो उनको परहेज पालना बहुत जरूरी होता है, और रात में मतलब प्रवास करना, अगर उनको ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है तो मफलर का प्रयोग करें या नाक ढक के ऐसे प्रयोग करें, ठंडी हवा में ना जाएं, रोज रात्रि में शुद्धोद घृत अगर नस से दें या नॉर्मल घी भी नस से लें तो यह स्मेल अच्छे से आ जाता है। उसी तरह से चटनी कुछ खाने पीने में परहेज है कि हल्दी जो गीली हल्दी रहती है, पुदीना का चटनी, अदरक का चटनी, लहसुन का चटनी, फिर शिग्रु जो रहता है सहजन का सब्जी खाएं, सूरन का सब्जी खाएं, फिर मसूर दाल खाएं, बाजरी का रोटी खाएं, काली मिर्च खाएं, मेथी खाएं, मूली का सेवन करें। फिर उसी तरह से मतलब ये सब जब करते हैं ना तो यह पथ्य कारक रहता है, और रक्त अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो रक्त को शमन करने के लिए वहां पे रक्त पित्त को दूर करने के लिए दुर्वा का प्रयोग करें, दुर्वा घृत का प्रयोग करें, बासा का प्रयोग करें, उशीर का प्रयोग करें, चंदन का प्रयोग करें, जैसा संप्राप्ति वैसा मेडिसिन सेलेक्ट करना है। उसी तरह से इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, जिसको नाक से स्मेल नहीं आ रही और खून आ रहा है, तो अगर खून वाला संप्राप्ति है तो वो पित्त की तरफ जा रहा है, अगर सर्दी की वजह से हो रहा है या ड्राइनेस की वजह से हो रहा है तो वहां वात और कफ की तरफ जा रहा है, तो इसमें दही का सेवन पूरी तरह से बंद करना है। जिनको स्मेल नहीं आ रही है, सर्दी जुकाम है, उनको दही नहीं खाना है कभी भी, फिर अचार नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना है, इडली डोसा नहीं खाना है, तो जो श्रीखंड होता है वह नहीं खाना है, फिर जो मिक्स फ्रूट सैलेड रहता है वह नहीं खाना है, फिर मिल्क शेक नहीं पीना है, फिर उसी तरह से केला नहीं खाना है, बर्फ नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाना है, फ्रिज के पदार्थ नहीं खाना है, बहुत ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, उसी तरह से फर्मेंटेड आइटम्स नहीं खाने, फिर बाहर का जो मिक्सचर फरसान जो रहता है वह सब नहीं खाना है, बेकरी के पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाना है, और इसमें रजन्यादि वटी कंटिन्यू अगर हम 1 साल तक चलाएं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। घृत का सेवन करें, अणु तेल का प्रयोग करें, शुद्धोद्घृत, षड्बिंदु तेल, प्रवाल का सेवन करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दीर्घ श्वसन करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, भस्त्रिका करें। इसी तरह से स्नेहन स्वेदन पूर्वक तीक्ष्ण नस्य और धूपन का प्रयोग करने से गंध बहुत अच्छे से आ जाता है। इसी तरह से रोगी अगर बलवान है तो वसंत ऋतु में वमन कराएं या फिर विरेचन करा दें वमन के बाद, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से संयमी जीवन करें, शाम को जल्दी खाना खाएं, रात को लंघन करें, और नाक में तुलसी का स्वरस डालने से बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तुलसी की पत्ते जो रहे वो ज्यादा खाने से क्या होता है कि वहां पे पूरी तरह से स्रोत खुल जाता है, और तुलसी में नेचुरल कॉपर होता है, ताम्र होता है, तो वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, लीवर स्टिमुलेट हो गया तो पित्त का स्त्राव अच्छा होता है, और तुलसी का सेवन करने से श्वास कास, प्रतिशय और गंध न आना, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तुलसी का काढ़ा का प्रयोग करें या तुलसी के पत्ते खाएं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, और वो ज्यादा ज्यादा खाना है, इससे SGOT SGPT भी ठीक हो जाते हैं। उसी तरह मतलब लीवर के सारे फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। किसी को SGOT SGPT बढ़ा है तो आरोग्यवर्धनी वटी को आपने 2-2 या 5-5 गोली को 1-1 कप तुलसी का स्वरस निकाल के अगर पिलाएं तो इमीडिएट वो 2 घंटे में ही SGOT SGPT ठीक कर देता है। जैसे जॉन्डिस रहते हैं, कामला रहते हैं,
रुद्रपद कमला या बहुपित कमला, उसमें भी तुलसी का अगर प्रयोग किया जाए अनुपान के रूप में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। खांसी जुकाम हर तरह के श्वास कष्ट में तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शुंठी और बचा का लेप करें नाक के ऊपर, सिर के ऊपर, तो उससे गंध बहुत अच्छे से आने लगता है। क्योंकि संज्ञा स्थापन गण में बताया है, हींग बताया है, सरसों बताया है, ज्योतिषमती बताया है, बचा बताया है, तो संज्ञा स्थापन गण जो है यह नर्व को स्टिमुलेट करता है। तो जहां पर भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है या संग है किसी वजह से, कफ की वजह से, तो वहां पर जब हम नस्य देते हैं बचा तेल का, मेरे पास भ्रंशतु शवतुहर तेल भी अच्छा है और बचा तेल भी है 101 आवर्ती वाला, उसका नस्य देने से अच्छे से स्मेल आने लगता है। इसी तरह से प्रवाल का प्रयोग करें, घृत का नस्य करें, रक्त आ रहे तो प्रवाल और घृत का मिक्स करके, प्रवाल पिष्टी और घृत को मिक्स करके उसका नस्य लेने से इमीडिएट ही ये रक्त रुक जाता है और स्मेल अच्छे से आने लगता है। इसी तरह से कारण को पहले देखना है कि क्या कारण है, कफ का कारण है, पित्त है या वात है, उस हिसाब से अच्छा सा धूपन करना है। अगर कफ का है तो धूपन करना है, पित्त है तो धूपन नहीं करना है। उसी तरह से तेल का, लेप का, नस्य का, वमन का, विरेचन का प्रयोग करें, और किसी भी तरह से वहां पे कचरा जो है, जो मतलब कफ के रूप में है, पानी के रूप में है या मल के रूप में है, नाक में मल नहीं मतलब कचरा नहीं जमा हो, इस पर ध्यान देना है, तो ये स्मेल अच्छे से आने लगता है। अभी मैं डॉक्टर कंचन मैम को बुलाऊंगा कि आपने मैम ऐसे पेशेंट देखे हैं कोरोना के टाइम पे या बाद में पहले, जिनको लॉस ऑफ स्मेल था? आप सर प्रणाम मैम, बताइए। जी सर, कोरोना के टाइम पे भी देखे हैं और वैसे भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे। उनमें मोस्टली ना प्रतिशाय की हिस्ट्री रहती है काफी लंबे समय तक। जैसे हम उसे मतलब दुष्ट पीनस टाइप बोलते हैं, तो वहाँ पे दिखता है सर कि उनको स्मेल ही नहीं आ रही। तो हम अगर हेतु वगैरह पूछे तो बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे बोले कि ठंडा खाना है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक लेना है, दुग्ध वर्धक आहार ज्यादा लेना है, तो ऐसे ही हेतु मिलते हैं। और सर बहुत अच्छे से हम इसे आयुर्वेद से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं मोस्टली प्रतिशाय की चिकित्सा करती हूँ, तो मेरे प्रतिशाय की चिकित्सा में त्रिकटु चूर्ण, श्वासारी रस, अभ्रक भस्म, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति, ऐसे ही मैं देती हूँ। और नस्य के लिए षडबिंदु तेल, अनु तेल, ज्योतिषमती तेल का यूज करती हूँ सर। यहाँ पे मतलब जैसे हम चेहरे पे थोड़ा ऑयल लगा के अभ्यंग करने के लिए बोलते हैं, और फिर बाद में थोड़ा स्टीम लेके मतलब कि स्नेहन स्वेदन करके हम वहाँ पे नस्य के ड्रॉप्स डालने के लिए बोलते हैं, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। और आपने जैसे बोला कि विबंध का भी देखना चाहिए, तो बिल्कुल सर मैंने बहुत आपको सुना है, तो मैं हर बार एक क्वेश्चन का जरूर करती हूँ। तो बहुत सारे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और जैसे कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, तो इनमें ये वेग धारण की हिस्ट्री मिलती है। तो वहां पे मैंने देखा है कि उन लोगों को भी ऐसे ही मतलब प्रतिशाय होके, एक मुझे एक पेशेंट याद आ रही है कि जो 15 16 साल की थी, और सेम ऐसे ही मिला था मुझे उसके हेतु में। तो उसको मैंने रेगुलर टाइम पे पॉटी जाने के लिए बोला था, और बिल्कुल मतलब अवरोध नहीं करना है, खाना पीना सही रखना है। तो उसका काफी अच्छा सर, 2 महीने में उसका जो बिल्कुल नाक से स्मेल आना पूरा गया था, तो पूरा वापस लौट के आया था सर। और कोविड के पीरियड में तो बहुत सारे पेशेंट मिले थे, क्योंकि हम लोगों को जैसे भी शुरू में सर्दी खांसी है और फीवर हो रहा है, तो हमने वो हर एक पेशेंट को कोविड तरीके से ही देखा है। तो वहां पे हमको 3rd डे 2nd डे पे ही सेंसेशन गया है, स्मेल गया है, ऐसे ही मतलब जो टेस्ट होती है वो भी नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, उनमें भी हम जैसे हमारी औषधियां जैसे हमने चलाई आयुर्वेद की, तो वहां पे भी स्मेल लौट के आया है। और बहुत सारा मतलब बहुत सारे पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में नहीं गए हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन से ही वो 4 5 दिन में ठीक होके, मतलब भले ही वो कोरोना उनको डायग्नोस हुआ है, पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं हुई है, हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया उसको। जी सर, जी बहुत अच्छा बताया मैम। और किसी का कोई अनुभव है लॉस ऑफ स्मेल ऐसे कंडीशन में, किसी ने ठीक किया है पेशेंट्स? कृपया बताइए किसी का अनुभव है तो। सर मेरी एक पेशेंट थी, वो उसको राइनाइटिस था और उसको एलर्जी का राइनाइटिस था, और कोविड के कारण उसकी ना स्मेल चली गई थी। वो जब भी दूध उबालती थी, सब्जी चलाती थी ना, तो सब्जी जल जाती थी, दूध जल जाता था, लेकिन उसको स्मेल नहीं आती थी। तो वो मेरे पास आई थी, तो
मुझे तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बजाज चूर्ण का मैंने अपने कॉलेज में देखा था पद्मनाभ से, तो फिर मैंने उसको बजाज चूर्ण लाने को बोला, मैंने कहा आप लेकर के आना फिर हम उसके बाद उसको पद्मन देंगे। लेकिन वो लेकर के आई सर, फिर वो अपने पास रखी वो उसने, और उसने उसका खुद से लिया, लेकिन उसे मतलब हुआ तो नहीं। फिर वो आई मेरे पास ड्यूटी, मतलब वो जॉब करती थी तो उसकी वजह से वो आ नहीं पाती थी मेरे पास, तो वो बोली कि मैडम मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक काम करो नस्से ही ले लो। सर उसने क्या किया कि नस्से के जो वो अष्टमहादोष भाव होते हैं सर, उसने उसका भी मतलब ख्याल नहीं किया और वो उस एसी में जाकर के बैठ गई। तो 3 दिन क्या हुआ सर कि नस्से लेने के बाद ना उसने कान ढका ना सिर ढका, और वो जाकर के एसी में बैठ गई, उसको उसका सिर पकड़ लिया। फिर वो उस दिन मेरे पास आई, बोली कि मेरे को ऐसे ऐसे हो गया, तो मैंने सारा नस्से वस्ते स्टॉप करके उसको आरोग्य वर्धिनी और ये अगस्त रसायन देके मैंने बोला अभी 1-2 दिन रुक जाओ फिर देखते हैं। फिर सर वो 2 दिन बाद मेरे पास आई तो मुझे बोलती है कि मेरे जो राइनाइटिस है उसमें भी आराम हो गया और मेरी हल्की स्मेल वापस आ गई है। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी सर्दी का मौसम है तो अभी रुक जाओ, वैसे भी तुम कहना मानती नहीं हो, मौसम जब सही हो जाएगा तो फिर करेंगे। तो सर इतना तो मैंने देखा था, मतलब इतना इम्प्रूवमेंट मैंने देखा उसमें। आवाज नहीं आ रही है। हाँ मुझे भी नहीं आ रही, मुझे लगा शायद मेरा नेटवर्क चला गया तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया। अभी आपकी आ रही है। मेरी आ रही थी आपको? नहीं अभी आई। अच्छा अभी आ रही है। हाँ अभी आई, नहीं तो एकदम ब्लैंक हो गया था। अच्छा। हाँ मेरा भी यहाँ पे नेटवर्क चला गया था अचानक। हाँ मेरा भी सेम हुआ था, जियो का अचानक चला गया सब कुछ। सबका ही हो गया, हैंग कर दिया। ठीक है, ये कुछ तो सैटेलाइट से प्रॉब्लम हुआ, पूरे इंडिया में एक साथ हुआ। हाँ हाँ वही मुझे भी लगा क्या हुआ अचानक से ये बोलते हुए, तो बस वही था सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? तो उन्होंने बस 3 दिन का नस लिया और उसके बाद उन्होंने पूरा आहार विहार जो अष्ट महादोष थे वो सारे का उन्होंने पालन नहीं किया, उनके सिर में दर्द हो गया, वो आरोग्य बदनी देकर स्टॉप करवा दिया, उससे उनका स्मेल 10% वापस आ गई थी और उसके बाद उनका जो है एलर्जी राइनाइटिस भी कम हो गया था। 3 दिन के नशे में इतना था सर बस। अभी आवाज आई मेरी सर? आ रही है, आ रही है। ठीक है सर, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। लॉस ऑफ स्मेल के पेशेंट आए होंगे कोरोना टाइम में आप लोगों के पास, सभी के पास कुछ मेडिसिन देके आप लोगों ने ठीक किया होगा, हमें बताइए। शशि मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी? परमिंदर मैम, सर मैंने इस तरह का पेशेंट देखा तो है, मतलब मेरे नोन में ही है जिनको मतलब स्मेल पावर बिल्कुल लॉस्ट है और वो भी टीन ईयर से ही लॉस है। अभी हम लोग के इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो मतलब उनको भी वही था कि प्रत्यय की हिस्ट्री शुरू से ही थी और लॉस ऑफ स्मेल का इतना ये था कि वो कोई भी गुड बैड कोई भी स्मेल मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते थे, बट उनको ट्रीट करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से प्रतिशय का ट्रीटमेंट होगा और नस्य देंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा, मतलब ग्रहणी तुष्टि तो होती ही है सर और थोड़ी बहुत मानस चिकित्सा साथ में जो मुझे लगता है इसका कारण। जी सर, थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर परमिंदर मैम आप बताएंगी कुछ? सर मेरे सर एक्चुअली मेरे भैया और भाभी ना दोनों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था और उनका बेसिक मतलब यही था सिम्टम लॉस ऑफ स्मेल, तो मतलब उनको वैसे तो वो जो किट अवेलेबल होती है वो सारी मतलब अवेलेबल कराई थी गवर्नमेंट ने, वो ले भी रहे थे बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने ना सर एक्चुअली च्यवनप्राश में ना एक कभी एक बारी पढ़ा था कि मतलब अगर स्वर के साथ या लॉस ऑफ स्मेल के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप च्यवनप्राश ले सकते हो, तो सर उन्होंने ये कोर्टिकल वाला च्यवनप्राश लिया था और थोड़े दिनों खाने में फिर वो सही हो गए थे उससे।
क्या नाम था मैम चौनप्रास का, कोटेकल वाला? हाँ जी सर, मैम ऐसे ही आता है वो, AVS कोटिकल करके ना, आर्य वैद्यशाला जो है उनका। हाँ जी उसी से सही हो गए थे मैम वो दोनों लोग। अच्छा, घातुक क्षय करके कुछ होगा वो, मिशन प्राप्ति क्षय। हाँ जी, क्योंकि मैम हाँ जी उनका सिम्टम भी लॉस ऑफ स्मेल से स्टार्ट हुआ था कोरोना का, और मतलब उनको ये चीज मतलब 1.5-2 महीने से हो रही थी। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। यस सर, मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैं डॉक्टर जी के बोल रहा था। प्रणाम सर। जी बताइए सर। मेरे पास पेशेंट ऐसा आया था कोरोना के बाद आया था सर, उसमें उसकी जो बिल्कुल स्मेल थी और टेस्ट था तो दोनों उसके लॉस हो रहे थे। तो सर मैंने सजेस्ट के साथ सेटोप्लाजी दिया और साथ में एक कदी बटी आती है चूसने के लिए, मैंने उसको वो दिया था। और इसके साथ साथ सर मैंने जो सर से सीखा हुआ था ना मरम चिकित्सा, तो मैंने वो कराया था उनका, फना मरम कराया मैंने उनका और सिंगलाटक मरम कराया था। तो सर वो ऑलमोस्ट एक वीक में कवर कर गया था सर बिल्कुल पेशेंट। तो ये सर मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसमें काफी अच्छा रहा सर उसका। सर एक बार फिर से बोलिए, बीच में आवाज चली गई थी आपकी। ओके डॉक्टर साहब, एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसकी स्मेल भी गई हुई थी और टेस्ट भी गया हुआ था, और मैंने उसको अगस्त्य ऋषि के साथ साथ तो पहले चूर्ण का चाटन दिया और खदरादी वट्टी एक चूसने को दी थी मैंने, और साथ में डॉक्टर साहब फना मरम और सिंगाटक मरम को मैंने सुपरनेट किया था उसके कंटिन्यू सुबह शाम सुबह शाम। तो पेशेंट एक वीक में कवर बिल्कुल हो गया था डॉक्टर साहब। चाटन काय का दिया था सर? चाटन काय का दिया था? अगस्त्य हरित की प्लस सीतोफलादि चूरण। अच्छा, क्योंकि मेरे पास डिस्पेंसरी में वही था अवेलेबल। यस, मेरे पास डिस्पेंसरी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, और सीतोफलादि? सीतोफलादि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है ना मैं, तो हमारे पास डिस्पेंसरी में वही अवेलेबल था उस टाइम, तो मैंने उसी से ट्रीट किया था उसको। और चूसने के लिए खरीदी दाड़ी बटी थी मेरे पास, तो मैंने दिया उसको साथ में वो। तो ये रहा, और साथ में मरम चिकित्सा मैंने किया उसका, तो सब जल्दी रिकवर हो गया वो, विद इन 5-7 डेज में अच्छी तरह से बिल्कुल हो गया था सारा। तो मेरा फर्स्ट टाइम था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसमें तो सर। ये सर मुझे ना इसमें ये पूछना है, ये जो दो टर्म्स हैं पीनस और प्रतिशय, क्या ये सेम है? प्रतिशय आगे जाके पीनस में कन्वर्ट हो जाता है, और सर वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, और प्रतिशय एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है ना, जैसे तो अगर एक्यूट कंडीशन में है, सर्दी हो रहा है, तो उसको हम प्रतिशय बोलते हैं। क्रॉनिक हो गया तो वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस रिनाइटिस, वो पीनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सर एक जो वो टर्म आती है दुष्ट प्रति प्रतिशय प्रतिशय, वो दुष्ट प्रतिशय में तो बहुत ज्यादा दुष्टि होती है, मां से दुष्टि हो जाती है, वो तो बहुत ही बेकार आगे की कंडीशन होती है, उसमें पस भी आते हैं। हाँ जी, जैसे सर वो कल पेशेंट थे जो वो आर्मी से बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे उनकी हिस्ट्री विस्ट्री तो पता नहीं, मेरे से पहले मतलब उनका डिस्कस हुआ था, तो उनके तो कुछ नेजल पॉलीप है उनको, अक्सर सूर्यवंशी को। ठीक है सर, ठीक। उनका तो क्रॉनिक हिस्ट्री है और उनका कॉन्स्टिपेशन भी था, उनका बहुत सारा दृष्टि था, तो वो पॉलीप का अभी पॉलीप है सर। उनके नेजल पॉलीप में हम लोग अगर उसका नस्या दें गुड़ और हरिद्रा का, तो नहीं काम करेगा, तीक्ष्ण हो जाएगा। वो बीच में उल्टा पुल्टा खा रहे थे ना, वो जितेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं फरीदाबाद के, लेकिन वो परहेज कंटिन्यू कहाँ पाल रहे हैं। काफी इम्प्रूवमेंट है सर, कल जो वो आर्मी वाले ऑफिसर जो दिखाई दे रहे थे उनके चेहरे में ठीक नहीं हुए, कब से इलाज कर रहे हैं, पूरा ठीक कहाँ हुए नहीं सर, फिर भी लेकिन फिर अब नोज के दायरे में उनकी स्वेलिंग बाकी है, चेहरा तो काफी छोटा हुआ है सर, जो फर्स्ट टाइम आए थे तब पूरा हाँ बहुत फूला हुआ था सर, आवाज वगैरह बहुत ही चेंजेस थे, आंखें स्पेशली बहुत स्वेलिंग थी सर चेहरे पे पूरे उनके सर। अभी तो 80% तो रिकवर है सर वो पेशेंट, 20% थोड़ा बचा है सिर्फ नोज का एरिया का सर उनका जो है। जी सर ठीक है। और डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आपका वो एलर्जी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? डॉक्टर विनीता मैम सुन पा रही है क्या? प्रणाम सर, प्रणाम सब लोगों को। जी सर ठीक हो गया सर, बस 20% बचा, बस 20% बचा है सर, 80% ठीक हो गया, बाकी सिम्टम्स वगैरह सब सबसाइड हो गए, बस
हल्के से निशान बचे हुए हैं। क्या दवाई लिया था आपने? सर मैंने उसको रक्त पित्त समझ के ट्रीट किया था, तो हाँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रीटमेंट लिया था सर। क्या, एक तो सर मैंने उसमें गंधक रसायन लिया था और सारिवाद्य सब लिया था, प्रवाल पंचामृत, सूत शेखर रस और रक्त पाचक सर ये लिया था, और अभिपत्तिकर चूर्ण, क्योंकि मुझे सर बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। तो जब मेरी आप लोगों से बात हुई थी उस रात में मैंने जितनी बार भी पानी पिया तो अभिपत्तिकर चूर्ण मैंने साथ में लिया, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट लग रही थी। उसके नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में 5 ग्राम 1 चम्मच के आसपास अच्छा वो लिया था, त्रिवृत्त लेहम लिया था। उससे मुझे 2 बार तो वॉमिटिंग हुई और 3-4 मोशन हुए, तो उससे भी काफी रिलीफ मिला मुझे। ठीक है, आप नेक्स्ट सेशन में हमें दिखाएंगी कि आप कैसा लग रही हैं अभी इम्प्रूवमेंट के बाद। जी सर, नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी। और आप पहले तो प्रॉमिस करिए कि आप एलोपैथी का दवाई नहीं खाएंगी, उसके वजह से कितना साइड इफेक्ट हुआ नहीं खाऊंगी सर, बहुत झेल लिया मैंने। वो आपके लिए जहर है, जो आपने खाया था वो बिल्कुल नहीं खाएंगी, प्रॉमिस करिए। आप जो भी रहेगा आयुर्वेद से ही ठीक होंगी। सर मतलब भैया भी अभी कह रहे थे कि तुम सुनते नहीं हो, अपना ही करते, अब इसके बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा तो हम तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं रिकवर कर रही हूँ। तो मैंने ये आप सारी नेक्स्ट चीजें सर सेशन टीडियस में, ली, मतलब इतना अंदर इतनी हीट थी, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव मुझे खुद ही फील होता था, बहुत ज्यादा प्यास लगती थी मुझे, एकदम गला सूख जाता था। अब वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं, हाँ लंघन भी तो काफी किया। आप अभी आयुर्वेद से ठीक हो गए हैं, तो आपको प्रॉमिस करना है कि वो दवाई आप नहीं खाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। जी सर, और डॉक्टर नवीन सर आपके घर से दूर हैं क्या? उनको असल में सर सीरियस हैं कि कैसे हैं, कुछ पता चला क्या आपको? मेरे को नहीं पता सर, मैं तो गाजियाबाद में हूँ ना सर, तो देहरादून में रहते हैं। मुझे अच्छा आज मॉर्निंग यही उससे पता चला सर, ग्रुप से ही पता चला कि सर को चोट लगी है, सुन के बहुत खराब लगा सर। सर जल्दी से ठीक हो जाए, हम सब लोग प्रेयर करेंगे उनके लिए, उनकी वजह से ही हम, मतलब हम लोग हैं, ये प्लेटफॉर्म है, सब है। ठीक है, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बस दो फोटो भेजा गया था, बस उतना ही मालूम है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। माधुरी मैम, आपने कभी दिया है लॉस ऑफ स्मेल में कुछ ट्रीटमेंट दिया है तो बताइए माधुरी मैम। सर ये जो प्रतिशाय है इसमें ना, मतलब हमारे एक प्रोफेसर थे, मतलब वो ये कहते होते थे कि अगर किसी चीज से फर्क फर्क ना पड़े तो वो जो उपनाश वेद करते हैं जीवनी गण की औषधों के साथ करते होते थे, हाँ वैसे हाँ उनको पीट करके गर्म सा करके सिर में पट्टी बांध देते थे, उससे हाँ पेशेंट रिलैक्स होते थे। ये बराबर। मैंने तो देखा अपनी आंखों से उपनाम में क्या क्या डालते थे? सर। वो हमें जब पढ़ाते थे तो ज्यादातर बात करते होते थे कि जीवनी गण की औषधियां ले लेना, अदरवाइज वो अगरू वगैरह ऐसे द्रव्यों को यूज करते होते थे। जी, और वो उपनाम किस तरह से करना है, क्या करना है, थोड़ा बताइए ना प्रोसीजर। सर वो तो ऐसे करते होते थे कि अब मुझे मतलब बेसिकली ड्रग्स तो नहीं याद होंगी, बट वो ऐसे कहते होते थे कि जीवनी गण की औषधियां हैं ये, और इसमें अगरू डाला है मैंने, और ये तिल तेल डाला, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेते थे, और एक ना पट्टी होती थी उनके पास, तो उसमें से इतना कुछ निकलता नहीं था, मतलब वो नॉन पोरस सी होती थी, तो ऐसे उसको मतलब दोनों ओर से बांध के लपेट के और सिर पे बांध देते थे पेशेंट के। उसके पहले थोड़ा सा स्नेहन करते थे गर्म तेल से, और वो बंधी रहती थी 15-20 मिनट तक, और उसके बाद फिर पेशेंट खुद ही कहता था कि अब मुझे बहुत सही लगता है, और वो उसको फेंकते भी नहीं थे, वो जो मिक्सचर होता था साथ में पेशेंट को दे देते थे कि इसमें और मतलब तेल डालकर तुम ऐसे अपना करते रहना, दो तीन 4 बारी। सर जीवने गण में जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माषपर्णी जीवंती यष्टि मधु, हाँ सब जी। होते हैं। और सर मेरा एक्चुअली अभी ना 3-4 दिन से मेरे पास ना अर्टिकेरिया के बहुत पेशेंट्स आए, तो मैंने पहले तो सबका सेरम आईजी कराया और साथ में एलर्जी पैनल कराया, और मतलब हाँ सबका जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई था ना, वो 2500-2500 भी ज्यादा पड़ा हुआ था, मतलब इतना ज्यादा, उसकी एडल्ट रेंज तो 100 के नीचे ही होती है। तो
तो मतलब वो पेशेंट्स एलोपैथी मेडिसिन खा खा के एक दो बारी तो मेरे से भी ट्रीटमेंट लेके मतलब थक चुके थे। और एक पेशेंट तो ऐसा था जिसके ना एलर्जी पैनल में उसको हर चीज से एलर्जी थी, केला से एलर्जी थी उसको, उसको गेहूं से एलर्जी थी, ग्राउंड नट्स के साथ एलर्जी थी, हर चीज के साथ उसको एलर्जी थी। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैंने तीनों चारों पेशेंट्स को ना कुछ नहीं मतलब यहाँ पे हमारे अवेलेबल था, तो सिर्फ त्रिवृत्त ले हम अवेलेबल थी। तो वो 3 से 5 ग्राम की डोज में ना वार्म वाटर के साथ दी। और मतलब सर मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे नेक्स्ट डे ही मतलब तीनों चारों पेशेंट्स के फोन आ गए कि हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और उन्होंने कोई एंटी एलर्जिक भी नहीं लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक जी है, और मैम, किसी को कुछ त्रिवृत्त बताना है? ले आपने क्या रात में दिया था खाने को? वैसे मैम जो फीमेल पेशेंट थी उसको तो मैंने शाम को बोला था खाने के लिए, पर जो मेल पेशेंट थे उनका कुछ वर्किंग का स्केड्यूल ही ऐसा था तो वो फिर उस हिसाब से वर्कआउट कर लिया था। ओके, मींस कि आपने ड्यूरेशन करवा दिया है ना ये तो? हाँ जी, मतलब जो फीमेल पेशेंट थी उसने ऐसा तो मुझे नहीं कहा कि मुझे ऐसे विरेचन की तरह फील हो रहा है, क्योंकि मैंने उनसे मतलब बोला था कि अगर ऐसा हो तो घबराना मत। तो जो एक मेरा मेल पेशेंट था ना उसने मुझे ये बोला कि ये त्रिवृत्त ले हम खा के मतलब मुझे जो यूरिन आया वो बहुत ज्यादा येलो आया, मतलब मैं पानी भी पी रहा था दिन में, इसका मतलब पित्त का विरेचन मतलब मूत्र में भी हुआ होगा, कैसे इसको हम समझेंगे। बराबर बराबर, मूत्र से भी होता है। हाँ जी हम लोग मूत्र विरेचनीय द्रव्य पढ़ते हैं ना, तो मूत्र से विरेचन होना ये भी हाँ उसी से। जी बराबर, हाँ जी, उनमें ऐसे मतलब उनको पॉटी वगैरह नहीं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा आई, बट वो उस पेशेंट ने बोला कि मुझे जितनी भरी भी यूरिन हुआ तो बहुत येलोइश डार्किश कलर का हुआ। तो फिर मैंने और तो यही, अभी क्या चला रहा है मैम, इंटरनली क्या दे रहे हो अभी? मैम सिर्फ उनको त्रिवृत्त ले हम दिया है और एक पेशेंट को मैंने साथ में रजन्या आदि चूर्ण और ये जो पंचतिक्त घृत है वो मतलब लिख के दिया था, बट उसको अभी मिला नहीं। मतलब यहाँ मार्केट में ना मैम अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है हमारे एरिया में। तो मैम आप सीरम आईजी कब रिपीट कितने बाद दिन बाद कराओगे? मैम एक्चुअली सैरम आईजी तो मतलब मैं अकेला सैरम आईजी कराऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है पेशेंट्स को। तो होता बहुत कॉस्टली हो है जाता कि है हाँ मैम। जी हाँ जी, कि 20-21 दिन अच्छा निकल जाएं तो फिर कराते हैं। ठीक है मैम। हाँ मैम फिर बताइएगा इस केस, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं ना, हाँ मैम, जरूर बताऊंगी मैं आपको। क्योंकि मेरे तो एलोपैथी के तो ज्यादा मैं उनसे दिमाग नहीं लगाती। ठीक हाँ जी थैंक है मैम, थैंक है। यू मैम और फॉर किसी को कुछ दिस बताना है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। किसी को कुछ बताना है, शेयर करना है अपना नॉलेज तो करिए, नहीं तो हम अभी सेशन बंद करते हैं, 8:15 बजे फिर मिलते हैं। सर ठीक मुझे है एक और सर, बात सर मुझे ये, पूछनी हाँ थी सर, नशे से रिलेटेड। 1 मिनट, परमिंदर जी पहले बोलिए फिर विकास जी बोलिए। परमिंदर जी बोलिए, हाँ क्या बोलिए? जी सर, एक्चुअली मेरा एक जनरल क्वेश्चन ही था। मैं एक दिन मतलब जैसे नशे का जो पार्ट है चरक संहिता में पढ़ रही थी, तो उसमें जैसे आचार्य चरक ने लिखा हुआ है कि 3 ऋतुएं हैं, प्रावृत श्रावण ऐसे करके, तो मतलब इनमें नस्य कराना सुखोषण है, मतलब आप आराम से करा सकते हो। जो बाकी की मतलब 3 ऋतुएं हैं उसमें उन्होंने बोला कि काल अवस्था ऐसा देख के कि मतलब अगर सुबह वात का काल है तो आपको मतलब कैसे नस्य कराना है, कफ का काल है तो कैसे करना है, मतलब ऐसा बताया था। ऐसा भी सर हमें कुछ सोचना पड़ेगा? जरूर सोचना चाहिए, अगर आपके पास ठंडी है और आपने ठंडा शीर वाला तेल डाल दिया, पेशेंट हाँ को सर जी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? हाँ जी काल अवस्था ये सब देखना चाहिए, व्याधि अवस्था क्या है, अजीर्ण अवस्था क्या है, और अगर ठीक बहुत ज्यादा ठंडी और ठंडा तेल डाल दिया तो हाँ पोषण नहीं जी किया तो वो तकलीफ हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। हाँ डॉक्टर विकास जी आप बोलिए सर। राम सर, सर मुझे ये पूछना था, जो आपने तुलसी का सरस बोला है, ये हाँ श्यामा का बोला है कि रामा का, या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का श्यामा भी? का ज्यादा अच्छा रहता है ना, ओके 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 श्यामा काली तुलसी ज्यादा अच्छी रहती है, अगर वो नहीं ओके अवेलेबल है नॉर्मल वाला यूज करें राम तुलसी। और सर जो वचा और शुंठी का चूर्ण आपने नाक पे लगाने को बोला है, ये कितनी देर तक, मैक्सिमम कितनी देर तक लगाया जा मैक्सिमम सकता जितना है? देर रख सके, 1 घंटा 2 घंटा, अगर चूर्ण का लेप लेप लगा के जब अगर सूख जाए तो निकाल सकते हैं, जब तक गीला है तब तक रखें, और नहीं तो वचा तेल में शुंठी डाल के मिक्स करके और वो लगाएं, जितना देर रखेंगे वो अच्छा रहता है। ओके ओके थैंक यू सर। आप लोग यूज करिएगा अभी, क्योंकि बहुत पेशेंट आएंगे आपको।
वसंत ऋतु तक बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे। ठीक है, सुनीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज का प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ बोलिए मैम। हेलो, अभी आ रही है सर? आ रही है मैम, बताइए। हाँ जी, जो अभी बात हो रही थी, परमिंदर मैम बोल रहे थे के काल का ध्यान रखना है समय का, तो आपने जैसे बोला कि क्षीर बला जैसे शीत है तो उसको शीत ऋतु में देंगे, जैसे अभी आप मोस्ट ऑफ द उसमें सजेस्ट बहुत सारी बीमारियों में आप करते हो कि आप 50-50 ml दे रहे हो, तो उसमें आप कैसे करते हो? अभी तो ठंडा मौसम चल रहा है तो उसमें कैसे फिर में थोड़ा देता हूँ मैं? नहीं, प्रतिशाय नहीं, मतलब और भी चाहे किसी भी, नहीं ये मतलब किसी भी बीमारी में दे रहे हैं, लेकिन काल तो शीत वाला ही चल रहा है। मैं व्याधि की अवस्था देखता हूँ, वात अगर बढ़ा हुआ है, वात वात बढ़ा हुआ है तो वहां पे मैं जो भी शीर बला देता हूँ तो वह ठंडा नहीं रहता है, रूम टेम्परेचर वाला मैं देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल से उनको बताया, एक ही चीज मत पकड़िए कि आप शीर बला क्यों दे रहे, मैं अवस्था देखता हूँ। वही चरक ने भी बोला अवस्था क्यों नहीं कह रही सर कि उसमें मतलब कैसे करते हैं, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, हेमंत और शिशिर ऋतु है, तो हमें उसकी कोई इसका प्रॉब्लम आ सकती है, अब ना आए उसके लिए हमें क्या ध्यान रखें? मैं तो व्याधि कौन सा है, व्याधि तो देखना पड़ेगा ना, व्याधि अगर हमारा प्रतिशय है तो मैं शीर बला नहीं डालूंगा, व्याधि की अवस्था के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। टीनस है तो मैं शीर बला थोड़ी ना डालूंगा, अगर वात है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, वहां पे अगर मुझे जरूरत है तो मैं वहां दूंगा ना, और वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम 8:15 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, 8:15 में सब लोग जुड़िएगा। थैंक यू सर, प्रणाम सर।